जनपद संभल के ग्राम धनारी निवासी पीड़ित परिवार का अपनी लापता 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बरामद किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना सातवें दिन भी जारी रहा। धरने के सातवें दिन शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने अपना समर्थन दिए जाने की घोषणा की और पीड़ित परिवार के साथ धरने पर भी बैठे। इसके अलावा धरने पर पीड़ित परिवार के साथ जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट भी मौजूद रहे। याद दिला दें कि संभल के धनारी निवासी भाजपा नेता संजय सिंह राघव का आरोप है कि उनकी 13 वर्षीय पुत्री का विष्णु शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा उस वक्त अपहरण कर लिया गया जब वह संभल से मुरादाबाद के काशीराम नगर स्थित अपनी नानी के घर आई हुई थी। आरोप है कि पुलिस 7 माह बीत जाने के बाद भी उनकी लापता पुत्री को न तो बरामद कर सकी है और न ही अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा को गिरफ्तार कर पाई है। बुधवार को पीड़ित परिवार को समर्थन देने के बाद शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। आज शिवसेना इन्हें समर्थन दे रही है, मेरे पीछे पीड़िता बैठी हुई है। इनकी लड़की लगभग 7 माह पहले इनकी लड़की का अपहरण कर लिया गया था। शर्मा नाम का लड़का था, उसने अपहरण कर लिया था। रिपोर्ट दर्ज है लेकिन थाना मंझोला पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पिछले 7 दिन से लगातार ये धरना स्थल पर बैठी हुई है लेकिन अभी भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर पुलिस 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करती है तो शिवसेना SSP कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करें। या तो कि महानगर और जनपद में और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, अपहरण की घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, मर्डर की घटनाएं हुई हैं, पुलिस अधिकांश केसों में FIR लगा देती है, कार्रवाई नहीं करती। पुलिस निरपुंस हो रही है, पुलिस का शासन, पुलिस अपनी मनमानी करती है, पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया, अधिकारियों की बात निचले स्तर के पुलिसकर्मी मानते नहीं हैं।